सुप्रभात क्लास वर्ग। कल की क्लास में पाठ बाजार दर्शन, इसमें लेखक का परिचय और लेखक क्या बताना चाहते हैं, यानी इस पाठ के रूप में वो क्या कहना चाहते हैं और कठिन शब्द, ये आपको बताए थे। यानी पाठ का परिचय और जो पाठ में कठिन शब्द आए हैं वो कल वाले वीडियो में भेजे थे आप लोगों को। और आज हम लोग बाजार दर्शन, कल ही ये हेडिंग लिखा था मैंने, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा होने से उसको डाउनलोड करने में आपको भी असुविधा है, सारे विषय का कार्य देखना होता है, इसलिए प्रयास ये करते हैं कि जितना संक्षेप में हो पाए लेकिन आप लोगों के उपयोग का हर वो बात उसमें आ जाए जो कि जरूरी है। तो आज हम लोग केवल दो बिंदु पर इस वीडियो में जानेंगे कि पहले मित्र से वार्तालाप और दूसरे मित्र की पहचान। तो लेखक के इस पाठ में, जैसे पाठ के लिए पहले सबसे पहले हम लोग जाने कि ये पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो यहां हम लोग जानेंगे कि ये निबंध है। ये पाठ जो है वो निबंध है, यानी गद्य की ही विधा में एक निबंध रूप में इसमें इस पाठ को लेखक ने लिखने का प्रयास किया है। और बाजार दर्शन इसमें बौद्धिक विचार को साहित्य सुलभ लालित्य के द्वारा व्यक्त किया गया है, यानी बौद्धिक विचार हैं लेकिन वो कितने सुंदरता से भाषा के लालित्य को कितने अच्छे ढंग से दर्शा पाते हैं ये बताने का प्रयास इसमें किया गया है। बाजार व उपभोक्ता का संबंध सामयिक विषय है और इसी संबंध को लेखक ने अपने कुछ परिचितों से की गई वार्तालाप के द्वारा बताने का प्रयास किया है। अपने कुछ परिचित से किस तरह से वो बातचीत के माध्यम से इसकी बताना चाहते हैं कि आपस में जो लोग बात कर रहे हैं उसी से बाजार के विषय में जानकारी आ रही है। लेखक ने बताया है कि किस प्रकार बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, हमें बाजार का उपयोग किस तरह करना चाहिए, यह भगवत जी के माध्यम से उन्होंने बताया है। यानी बाजार जो है वो हमें जब अपनी ओर आकर्षित करता है तो किस तरह से हमें उसका उपयोग करना चाहिए या किस तरह से हम उसके वश में हो जाते हैं। दो तरह की खरीदारी होती है। परचेजिंग पावर शब्द मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि बहुत सारा कार्य लोग इसलिए भी खरीद लेते हैं बहुत सारे सामान को कि दिखाने के लिए, अपने स्टेटस बना करके कि मेरी परचेजिंग पावर जो है, मेरी खरीदने की शक्ति अधिक है। और ऐसे में अनावश्यक रूप से भी बहुत सारे सामान घर में आ जाते हैं। जैसे किसी के यहाँ देखिएगा एक फ्रिज है तो वो केवल शौक के लिए, एक फ्रिज तो आज के वर्तमान समय में भौतिक संसाधनों में आवश्यकता हो सकती है घर की, लेकिन उस फ्रिज के होते हुए लोग दूसरा फ्रिज उठा के लाते हैं, एक गाड़ी है दूसरी गाड़ी लाते हैं। या बाजार में कोई ऐसी चीज जिसकी आवश्यकता घर में नहीं भी है और लोग लेकर के आते हैं, तो ये बाजार दर्शन में उससे आकर्षित होने के कारण लोग ऐसा करते हैं। पहले मित्र से जब बात इनकी हो रही है, पहले मित्र से, तो वहां ये कहते हैं कि बाजार से कोई मामूली चीज लेने गए थे किंतु खरीद कर बहुत सारा सामान लाए। पहले मित्र से जो बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बाजार से छोटी सी कोई चीज लेने गए लेकिन वहां से बहुत सारा चीज खरीद करके लेकर के आए। लेखक ने जब पूछा तो उनके मित्र ने बताया कि पत्नी भी साथ थी। देखिए ये भी एक कारण होता है कि महिलाओं की खरीदारी में थोड़ी अधिक रुचि होती है। तो यहां पर लेखक से उनके मित्र बता रहे हैं कि पत्नी भी साथ में थी। लेखक यह मानते हैं कि स्त्रियों की जोड़ने की प्रवृत्ति होती है और वो इस निष्कर्ष पर आते हैं कि पुरुष भी अपने पैसे की गर्मी दिखाने के लिए अतिरिक्त खरीदारी करते हैं। यानी स्त्रियों में ये गुण होता है कि वो सामान को जोड़ना चाहती हैं, जो उनके पास है उसके अलावे भी वो लेना चाहती हैं। लेकिन यहाँ लेखक ये मानते हैं कि बहुत सारे पुरुष भी ऐसे होते हैं जो अपने पैसे की गर्मी को अपनी खरीदारी में दिखाते हैं। वह सोचता है कि बैंक मनी तो दिखती नहीं है। यानी जो लोग अनावश्यक सामान खरीदने जाते हैं उनकी सोच ये होती है कि जो बैंक मनी है, जो बैंक में रखा हुआ पैसा है वो तो दिखता नहीं है, लेकिन घर में रखा हुआ सामान ही दिखता है और उससे व्यक्ति के पैसे की पावर प्रकट होती है। जो खरीदने जाते हैं वो ये सोच करके जाते हैं कि उससे व्यक्ति का पावर दिखता है।
वो अपनी जरूरत के लिए नहीं आया है अपितु अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आए, यानी जो सामान पहले मित्र लेकर के आए हैं वो उनकी आवश्यकता है ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपने पावर को दर्शाने के लिए उतना सारा कुछ लेकर के आए। मित्र से यह पूछने पर कि आप नाहक इतना सामान क्यों ले आए, तो मित्र ने इसका दोष बाजार के प्रदर्शन को दिया, स्वयं को नहीं दे रहे बल्कि उसका दोष वो बाजार के प्रदर्शन को दे रहे हैं और कहते हैं कि बाजार में इतने सारे सामान हैं कि ऐसा लगता है मानो बाजार मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, और वो आमंत्रण चाह करके भी व्यक्ति ठुकरा नहीं पाता, अर्थात वो आकर्षण में असंतोष तृष्णा ईर्ष्या के भाव उत्पन्न करता है और उससे वो खरीदारी करने लगता है। अब दूसरे मित्र की पहचान, दूसरे मित्र से इनकी बात होती है, जो दूसरे मित्र से बात है वो होती है, और उसमें लेखक दूसरे मित्र से दोपहर के पहले जो बाजार गए थे, जब खाली हाथ लौटे तो लेखक ने पूछा कि बाजार गए तो कुछ लाए क्यों नहीं। देखिए यहाँ दो लोगों के माध्यम से दो तरह की बातें बताने का प्रयास हुआ है, कि पहले मित्र ने कहा कि बाजार अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, बहुत सारा सामान था इसलिए मैं लेकर के आ गया, और दूसरे मित्र से जब इनकी बात हुई तो इन्होंने पूछा कि दोपहर में गए थे लेकिन अभी शाम को लौट रहे वो भी खाली हाथ। मित्र ने कहा कि बाजार में जो कुछ भी था उस सब को लेने की मन में चाह थी, अब मैं यदि किसी वस्तु को ले आता तो उसका अर्थ था शेष को छोड़ देना, पर मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था अतः कुछ भी नहीं ले गया। मित्र के इस कथन ने लेखक के दिमाग में ये निष्कर्ष निकाला कि यदि आपको अपनी आवश्यकता का ज्ञान नहीं है तो सभी चीजें खरीदने योग्य हैं, ऐसी स्थिति में सब की चाह उत्पन्न होगी जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। यदि आप सोच करके ये नहीं जाएंगे कि आपको क्या लेना है तो बाजार की हर एक चीज आपको अच्छी लगेगी, और ऐसे में निश्चित रूप से अगर इस तरह की आदत है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अब इस पाठ को पढ़ेंगे, चूंकि निबंध है तो स्वाभाविक है, यहाँ मैंने बताया कि निबंध है तो स्वाभाविक है कि इसको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ने के बाद पिछले क्लास में भी बताए थे कि इससे 15 प्रश्न बनाइएगा, और आज इसको जब देख लीजिएगा इस वीडियो को तो देखने के बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखिएगा।